नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है कुल्लू। आज हम पढ़ेंगे कुल्लू के इतिहास के बारे में। तो कुल्लू का इतिहास पढ़ने से पहले हमें कुल्लू का पुराना नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? कुलूत। कुल्लू का पुराना नाम है। और जो कुल्लू का वर्णन है, कुलूत प्रदेश है, जिसका वर्णन हमें किस किस में मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है रामायण में, महाभारत में, ठीक है, फिर मिलता है विष्णु पुराण में, मार्कंड पुराण, फिर मिलता है रजत रंगनी में, और बृहद संहिता में। ये जो हमारे ग्रंथ है इसमें हमें कुलूत प्रदेश के बारे में पता चलता है। रजत रंगिनी, ठीक है। अगला जो है कि कुल्लू को क्या कहा जाता है? कुल्लू को गंधर्वों की भूमि। किसकी भूमि? गंधर्वों की। गंधर्वों की भूमि कहने के साथ साथ कुल्लू को कुलांत पीठ भी कहा जाता है। कुलांत पीठ, कुलांत पीठ का मतलब क्या हुआ? ऐसी भूमि, संसार की अंतिम ऐसी भूमि जो रहने योग्य है, वो हुई कुलांत पीठ, ठीक है। अब हम बात करें कुल्लू के इतिहास की, तो कुल्लू का इतिहास, जो कुल्लू के संस्थापक थे उनका नाम था बिहंग मणिपाल। बिहंग मणिपाल, ऐसे क्वेश्चन आता है कुल्लू के संस्थापक कौन थे, तो आंसर सीधा बिहंग मणिपाल। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुल्लू के संस्थापक कहां से आए थे, तो कुल्लू के जो पूर्व, बिहंग मणिपाल के जो पूर्वज थे वो पहले रहते थे प्रयाग, ठीक है। प्रयाग से आए वो कहां? कमाऊं में, और कमाऊं के बाद वो गए हरिद्वार में, ठीक है। अब हरिद्वार में क्या हुआ? हरिद्वार में, हरिद्वार से बिहंग मणिपाल अपने पुत्र पचपाल, पत्नी, वो इनका एक पुरोहित था उदयराम। उदयराम कौन था? पुरोहित। इसके साथ ये कहां आए? कुल्लू के क्षेत्र में, कहां पे? मणिकरण में, ठीक है। अब मणिकरण में रहना शुरू किया, वहां के सामंतों पे अधिकार किया, पर वहां के सामंतों ने क्या किया? दोबारा एकत्रित होकर जो बिहंग मणिपाल था उसको हरा दिया, और बिहंग मणिपाल वहां से कहां आगे? जगत सुख। और जगत सुख में किसके पास रहने लगे? एक चपराई, चपराई नाम का ब्राह्मण था, ठीक है, चपराई राम का ब्राह्मण था, उसके पास इन्होंने रहना शुरू किया। यानी कि अज्ञात रूप से रहने लगे, किसी को नहीं बताया कि ये कुल राजकुल से हैं, राजकुल परिवार से हैं। फिर क्या हुआ कि एक, जो बोल सकते हैं कि एक कहानी जो है, कहा जाता है कि जचौल की यात्रा के दौरान बिहंग मणिपाल चले, वो भी जा रहे थे, तो उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है, तो वो बूढ़ी औरत को देख के बोलते हैं कि मैं आपको कंधे पे उठा के उस यात्रा, उस मेले में ले चलता हूँ। तो बिहंग मणिपाल उनको कंधे पे उठा के लेके चलते हैं। कुछ समय बाद वो बूढ़ी औरत नीचे उतरती है और बोलती है कि मैं आपको, बिहंग मणिपाल को बोलती है, मैं आपको अपने कंधे पे उठा के ले चलती हूँ। तो इससे बिहंग मणिपाल समझ जाते हैं कि वो औरत कौन थी, वो हडिम्बा थी। तो उसी समय जो देवी हडिम्बा है, हडिम्बा किसकी पत्नी थी? भीम की, और इनके पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। तो हडिम्बा उस समय वरदान देती है कि बिहंग मणिपाल को, कि आने वाले समय में आप इस राज्य के राजा बनोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बिहंग मणिपाल ने जो जगत सुख के जो सामंत थे उनके ऊपर अधिकार किया, और जगत सुख को अपनी राजधानी बना लिया। पहली राजधानी जो बनी थी वो जगत सुख बनी थी।
उसके अगला जो राजा हुआ वो था पचपाल। किसका? बिहंगमणि पाल का पुत्र। अब पचपाल ने भी अपने पिता के अनुसार, जो पिता ने सामंतों के ऊपर अधिकार किया था, वैसे ही पचपाल ने मनाली घाटी के, कहां के, मनाली घाटी के दो क्षेत्रों के ऊपर कब्जा किया। एक का नाम था गोजरा और दूसरा क्षेत्र जो था उसका नाम था भवारा। इन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया और अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था सुर्गपाल। इनके कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, पर सुर्गपाल के दो पुत्र थे, एक का नाम था शक्तिपाल और दूसरे का नाम था जनकपाल। शक्ति और जनक, मैं इनका नाम इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों जो पुत्र थे आपस में लड़े थे, राजगद्दी के लिए लड़े थे। जो राजपुरोहित के कहने पे किसे राजा बनाया गया? शक्तिपाल को राजा बनाया गया। उसके बाद जो फेमस राजा हुए वो थे राजेंद्रपाल। राजेंद्रपाल क्यों फेमस हुए? क्योंकि जगत सुख राजधानी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जगत सुख वो नगर के बीच में, जगत सुख वो नगर, नगर के बीच में एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम था कोठी बरसाई। हाँ, कोठी बरसाई। अब इस क्षेत्र का जो राजा था वो राजा क्या था, वो पुत्र विहीन राजा था, उसकी कोई संतान पुत्र नहीं था, उसकी पुत्री थी, उसका नाम था रूप सुंदरी। रूप सुंदरी, ठीक है। जो राजेंद्र पाल राजा हुआ, इन्होंने क्या किया, इस कोठी बरसाई के ऊपर हमला किया, रूप सुंदरी के ऊपर हमला किया। रूप सुंदरी से ये हार गए, साथ ही साथ इनके 11 पुत्र थे, 11 में से 9 मर गए, ठीक है, 9 मर गए, बचे 2 पुत्र। तो इन्होंने उचित ये समझा कि मैं रूप सुंदरी के साथ एक संधि कर लूं। इन्होंने अपना संदेशा भेजा, जो संदेश वाहक था वो इनका पुत्र था, वो रूप सुंदरी के पास गया और संधि की बात की। रूप सुंदरी समझ गई कि ये राजा का पुत्र है, इसने और रूप सुंदरी ने संधि कर ली, और संधि के साथ साथ रूप सुंदरी का विवाह किसके साथ हो गया, राजा के पुत्र राजेंद्र पाल जो था उसके एक पुत्र के साथ इसका विवाह हो गया। तो जो कोठी बरसाई का क्षेत्र था वो ऑटोमेटिकली किसमें जुड़ गया, दोबारा जो राजेंद्र पाल के क्षेत्र में, कुल्लू के क्षेत्र में जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला राजा था वो था बिशुद्ध पाल। यहां से क्वेश्चन बनता है बिशुद्ध पाल, क्योंकि बिशुद्ध पाल है जगत सुख और नगर, जगत सुख के ऊपर तो पहले क्षेत्र अधिकार था, फिर कोठी बरसाई जो बीच का क्षेत्र था उस पर अधिकार हो गया, अब बचा नगर। तो बिशुद्ध पाल ने क्या किया, जो नगर था, नगर का जो सामंत था उसका नाम था करमचंद, ठीक है, इसके ऊपर हमला किया और नगर को अपने अधीन कर लिया। तो बिशुद्ध पाल वो राजा था जिसने राजधानी नगर से बदल जगत सुख से बदलकर कहां स्थापित की, नगर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिशुद्ध पाल ने वो राजा कौन सा है जिसने राजधानी जगत सुख से नगर स्थापित की, तो वो बिशुद्ध पाल। अगला राजा है रुद्रपाल। अब रुद्रपाल के समय हमने स्पीति के इतिहास में पढ़ा था कि राजेंद्र सेन स्पीति के राजा थे, जिन्होंने क्या किया था, कुल्लू पे आक्रमण किया था। उस समय कुल्लू के राजा कौन थे, रुद्रपाल। कुल्लू पे आक्रमण करके कुल्लू के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था वो। तो आप बोल सकते हैं कि कुल्लू का राजा रुद्रपाल के समय स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर अधिकार किया था, ठीक है। अब हुआ क्या इसके बाद, इसके बाद जो इनका पुत्र हुआ रुद्रपाल का, ठीक है, हमीरपाल, वो भी कर देता रहा लाहौल यानी कि स्पीति को। उसके बाद जो इनका पौत्र हुआ जिसका नाम था प्रसिद्ध पाल, प्रसिद्ध पाल थोड़ा सा क्या इच्छाओं वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, प्रसिद्ध पाल ने, प्रसिद्ध पाल के समय वहां स्पीति का राजा जो था उसका नाम था चेतसेन। पढ़ा है हमने स्पीति के इतिहास में कि
प्रसिद्ध पाल ने चेत सेन से अपना कुल्लू वापिस लिया था, तो प्रसिद्ध पाल ने, क्योंकि इसी समय तिब्बत के लोगों ने भी चेत सेन के ऊपर हमला किया था, प्रसिद्ध पाल ने चेत सेन के ऊपर हमला किया और जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया रोहतांग घाटी में, और जिसमें प्रसिद्ध पाल की विजय हुई और प्रसिद्ध पाल ने कुल्लू का क्षेत्र वापिस ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो अगला राजा है वो है संसारपाल। संसारपाल का कुछ ज्यादा नहीं है, पर संसारपाल ने क्या किया था, संसारपाल को जो लद्दाख के राजा थे, लद्दाख के राजा ने 3 गांव जागीर में दिए थे। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात बताना भूल गया, जो प्रसिद्ध पाल था उसने लौहल को चंबा से भी मुक्त करवाया था, क्योंकि चंबा का अधिकार लौहल पे था, तो प्रसिद्ध पाल ने लौहल को चंबा से मुक्त करवाया था। अब संसार पाल के बाद जो अगले राजा हैं वो हैं दत्तेश्वर पाल। ठीक है, दत्तेश्वर पाल, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दत्तेश्वर पाल के इसमें जो चंबा के राजा थे वो थे साहिल बर्मन, और मेरुवर्मन संस्थापक मेरुवर्मन नहीं, जो बाद के मेरुवर्मन हुए 680 वाले, तो मेरुवर्मन ने हमला किया किसके ऊपर, दत्तेश्वर पाल के ऊपर। ठीक है, और ये युद्ध भी कहां लड़ा गया, ये युद्ध भी रोहतांग घाटी में लड़ा गया, और जो दत्तेश्वर पाल थे वो 31वें राजा थे कुल्लू के, और इस युद्ध में जो दत्तेश्वर पाल थे और साथ ही साथ इनके पुत्र अमरपाल, ये दोनों युद्ध में मारे गए, मेरुवर्मन जीता, दत्तेश्वर पाल और अमरपाल की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद जो अमरपाल का पुत्र था जिसका नाम था शीतलपाल, ये भाग के कहां चले गए, ये चले गए बुशहर में इन्होंने शरण ली, तो जो शीतलपाल और इससे आगे यानी कि पूरी 5 पीढ़ियों ने बुशहर में शरण ले रखी। उसके बाद एक राजा हुए जो अगले राजा हैं, उनका नाम है जरेश्वर पाल ने कुल्लू को वापिस चंबा से लिया। हुआ क्या कि उस समय कुल्लू के जो चंबा के राजा थे उनका नाम था लक्ष्मी बर्मन। ठीक है, लक्ष्मी बर्मन के इसमें क्या हुआ कि चंबा में महामारी फैल गई, और इस महामारी, उस समय चंबा का जो राजधानी हुआ करती थी भरमौर हुआ करती थी, तो लक्ष्मी बर्मन के इसमें महामारी फैल गई और लक्ष्मी बर्मन पर किसका, भोटों का हमला हो गया जिसमें लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु हुई। लक्ष्मी बर्मन के पुत्र का नाम मुशान बर्मन था जिसका जन्म चूहों के बीच हुआ था, यह क्वेश्चन बड़ा काफी बार आ चुका है। तो भोटों के युद्ध से लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी अपने पुत्र मुशान बर्मन को लेकर सुकेत के पास गई थी, तो इस स्थिति को जानकर जो जरेश्वर पाल था उसने किसकी सहायता ली, बुशहर की सहायता ली, और बुशहर की सहायता से जो कुल्लू पे चंबा के सैनिक थे उनको वहां से भगा दिया और कुल्लू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो आप बोल सकते हैं कि किस राजा ने चंबा से कुल्लू को वापिस लिया था, वो राजा थे जरेश्वर पाल। ठीक है, उसके बाद अगले राजा हुए नारद पाल। अब नारद पाल जब राजा थे तो उसी समय चंबा के राजा थे साहिल बर्मन। ठीक है, साहिल बर्मन और नारद पाल का, यानी कि साहिल बर्मन ने नारद पाल के ऊपर हमला किया। ठीक है, और ये युद्ध जो लड़ा गया, ये लड़ा गया, हमला किया तो मनाली तक, जो चंबा की सेना थी वो मनाली तक पहुंच गई, और मनाली में उन्होंने एक दुर्ग बनाया मजनकोट। तो चंबा के किस राजा ने बनवाया था, ये साहिल बर्मन ने बनवाया था कुल्लू में मजनकोट में। उसके बाद क्या हुआ कि ये संघर्ष 12 सालों तक चलता रहा, इनके बीच संधि भी होगी पर संघर्ष चलता रहा, पर कुल्लू के जो राजा और सैनिक थे उन्होंने चंबा को भगाने के लिए क्या किया कि
एक दिन उन्होंने कोई मेला चला हुआ था, उस मेले में सभी आ रहे थे, तो ब्यास घाटी पे कोई पुल बना था, तो उन्होंने अंधेरे में उस पुल को काट दिया, जिससे चंबा के सैनिक, काफी सारे सैनिक उस घाटी में गिर गए। और बाकियों को जब इस बारे में पता चला तो वो डर के मारे कुल्लू छोड़कर भाग गए। उसके बाद अगला जो राजा हुआ भूपाल, भूपाल, और ये 43वें राजा थे, ठीक है, भूपाल। और इनका जिगर, क्योंकि भूपाल वो राजा थे जिनको सुकेत के संस्थापक कौन थे, बीरसेन। तो बीरसेन ने जैसे ही सुकेत में अपनी सत्ता स्थापित की, उसी समय क्या किया, कुल्लू के ऊपर आक्रमण कर दिया और कुल्लू के राजा भूपाल को बंदी बना लिया। ठीक है, भूपाल को बंदी बना लिया। ये इनके बीच दुश्मनी चलती रही। इसके बाद जो सुके बीरसेन के आगे पौत्र थे, ठीक है, एक का नाम था विक्रमसेन और दूसरे का नाम था त्रिविक्रमसेन। अब इन दोनों के बीच गद्दी के लिए होड़ लगी, तो त्रिविक्रमसेन की सहायता की भूपाल के पौत्र हेतपाल ने, ठीक है, और विक्रमसेन की सहायता की क्योंथल के राजा ने। अब क्योंथल का राजा भी किसका भाई था, वो बीरसेन का भाई था, गिरिसेन, उसी के वंशज थे। तो इसने, जो विक्रमपाल था, इन्होंने क्या किया कि अपने सगे संबंधियों से सहायता मांगी। इसमें क्या हुआ, त्रिविक्रमसेन और हेतपाल दोनों मारे गए, विक्रमसेन की विजय हुई। तो जो अगले राजा थे हेतपाल, उन्होंने किसकी सहायता की थी, सुकेत के त्रिविक्रमसेन की। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सुकेत था उसका कब्जा हो गया किसके ऊपर, कुल्लू के ऊपर। ठीक है, तो जो विक्रमसेन था, विक्रमसेन का पुत्र इसी के सामने मर गए, इसके जो पौत्र थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन जब राजा बने, आगे वंशजों में थे, लक्ष्मण सेन 2 वर्ष की आयु में राजा बने, तो जो अगले राजा थे उनका नाम था कुल्लू के सूरजपाल। सूरजपाल ने इस स्थिति को जानकर कि सुकेत का राजा 2 वर्ष का है, तो क्या किया, लक्ष्मणपाल से अपना क्षेत्र वापस ले लिया और कुल्लू के ऊपर अधिकार दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगले राजा हुए संतोषपाल राजा हुए, तो इन्होंने क्या किया लद्दाख के एक गैमूर और अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अगले इसके बाद तेगपाल जब राजा बने, ठीक है, तो इन्होंने बलितिस्तान के जो शासक थे, ठीक है, उन्हें हराकर कर देने के लिए बाध्य किया। फिर क्या हुआ, जो अगले राजा आए जिनका नाम था सिकंदर पाल पर हमला किया और सिकंदर पाल को क्या कर दिया, बाध्य कर दिया कर देने के लिए। और सिकंदर पाल को इन्होंने बंदी बना के रखा मोहनगढ़ में। जब बंदी हुए तो जो सिकंदर पाल थे उन्होंने बोला कि मैं कर देने के लिए एग्री हूं। जैसे ही मोहन पाल छूटे, ये गए कहां, दिल्ली। उस समय दिल्ली में जो शासन था वो था तोमर राजाओं का, तो उन्होंने सहायता ली तोमर राजाओं की और दोबारा से लद्दाख और बलितिस्तान के ऊपर हमला किया और अपने आप को मुक्त करवाया। आगे का इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद।